है, जो आज का जो वीडियो बन रहा है ये वीडियो बन रहा है स्ट्रेचिंग के ऊपर। यू तो स्ट्रेचिंग जो है 9 टाइप से अपन स्ट्रेच कर सकते हैं बॉडी को, या मसल्स में अपन जो भी स्ट्रेचिंग करते हैं वो 9 तरीकों से अपन स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। पर एक प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस होता है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का ऑपरेशन किस तरीके का हो रखा है, ठीक है, या फिर उसका कोई ऑपरेशन नहीं हो रखा है, ठीक है। तो दो कंडीशंस होती हैं जब पेशेंट को स्ट्रेचिंग की नीड होती है, एक तो ऑपरेशन के बाद, दूसरा ऑपरेशन से पहले, या फिर उसको ऑपरेशन की नीड है ही नहीं, मसल ओनली इसकी टाइट है। तो अगर आपकी आपका ऑपरेशन हो चुका है, ठीक है, और आपको अगर एक्सरसाइज करनी है, आपको फोकस करना होता है स्ट्रेचिंग के ऊपर, ठीक है, साथ में स्ट्रेंथनिंग पे भी फोकस करना है, पर प्रायोरिटीज आपकी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेचिंग। आज का टॉपिक जो है स्ट्रेचिंग है, तो स्ट्रेचिंग की इम्पोर्टेंस मैं बताने वाला हूँ। अगर आपका ऑपरेशन हो चुका है कहीं पर भी किसी भी जॉइंट के आसपास, जैसे चाहे MCP जॉइंट हो, चाहे फिंगर के हो, चाहे रिस्ट हो, चाहे एल्बो हो, चाहे शोल्डर हो, ठीक है, तो जॉइंट के आसपास जब ऑपरेशन हो चुका होता है और उसके आपको एक्सरसाइज आपको करनी होती है, तो आपको स्ट्रेचिंग प्रेफर करनी चाहिए। अगर आप स्ट्रेचिंग को प्रेफर करते हैं तो आप पेशेंट को कैसा फील होता है वो आपको मैं बता रहा हूँ। जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो पेशेंट को ऐसा फील होता है कि एक स्ट्रेच के साथ में हल्का सा पेन भी आता है। अगर वो पेन जो है आपको बल्क में महसूस हो रहा है तो इसलिए मान लो कि आपको जो है मसल में स्ट्रेच फील हो रहा है। और अगर आपको एक धागे की तरह अगर स्ट्रेच फील हो रहा है तो कोई नर्व या फिर कोई वेसल्स या फिर जो आर्टरीज है वो पुल हो रही है, तो आपको उस वक्त स्ट्रेचिंग नहीं करनी है। दूसरा, अगर आपका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, नए फ्यूचर में आपका ऑपरेशन होने वाला है, और आपकी ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं है कि ऑपरेशन होगा इन फ्यूचर, तब आपको क्या करना होता है वो तो बता रहा हूँ आपको। जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो उस स्ट्रेचिंग के टाइम पर आपको, जब आप स्ट्रेच करेंगे टिश्यूज को, आपको कोई पेन फील नहीं होगा, विदाउट पेन आपको केवल स्ट्रेच फील होगा। तो दोनों में क्या फर्क है, अगर ऑपरेशन के बाद में अपन कोई स्ट्रेचिंग करते हैं तो स्ट्रेच पेन के साथ फील होता है, जो कि रिकवरी में इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। वहीं पर ही अगर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है और इन फ्यूचर नहीं भी होगा, और जब आप स्ट्रेच करते हैं तो आपको कोई पेन फील नहीं होगा, ओनली स्ट्रेच फील होता है। स्ट्रेच जो है नॉर्मली, जैसे फिटनेस के लिए अपन स्ट्रेचिंग करते हैं तो उनको कोई पेन फील नहीं होता है, सिंपल एक बल्क में उनको एक स्ट्रेच फील होता है, ठीक है। वहीं पर अगर कोई किसी ने ऑपरेशन करवा रखा है और वो स्ट्रेच करवाता है या करता है, तो उसको स्ट्रेच के साथ थोड़ा स्ट्रेच पेन फील होता है, जो कि उसकी रिकवरी में उसको हेल्प करता है। धन्यवाद।